हेलो गाइस, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो देखिए, मैं आप लोगों को थोड़े से ये पहाड़ों का नज़ारा दिखाती हूँ। बहुत ही सुंदर सा व्यू है। और ये कहाँ का है, अगर आप लोगों को जानना है तो आप लोग मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। आज मैं आपको बना के दिखाने वाली हूँ राजमा की सब्ज़ी। तो उसके लिए लेते हैं हम तेल, इसको हम गर्म कर लेते हैं। इसमें डालते हैं तेज पत्ता, साथ में डालते हैं जीरा, और हम इसमें डालते हैं अदरक लहसुन का पेस्ट जो हमने पहले ही बना लिया है गाइस। फिर हम इसमें ऐड करेंगे एक प्याज और 2-3 हरी मिर्च। इन सबको हम अच्छे से पका लेंगे। फिर हम इसमें ऐड करेंगे मसाला। ये लिए मैंने लाल मिर्च, इसमें लिया धनिया, और हमने लिया है साथ में ही हल्दी। फिर हम इसमें ऐड कर देते हैं नमक। इन सबको हम अच्छे से पकाते हैं। अब इन सबको हम मिक्स कर लेंगे। और देखिए, सारा का सारा ऑयल ऊपर आ गया है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारे टमाटर की ग्रेवी। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लीजिए। इसको 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, पकने दीजिए। फिर हम देखते हैं कि जितना भी ऑयल था वो सारा साइड में ऊपर आ गया है, मतलब ये अच्छे से पक चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारे राजमा जो कि उबले हुए हैं। मैंने उबाल लिया है गाइस, क्योंकि इनको रात को ही भिगो दिया था। फिर मैंने इसमें 5 से 6 सीटी लगवा के इनको अच्छे से बॉयल कर लिया है। बिना बॉयल किए हुए राजमा को नहीं डालना है, क्योंकि ये पकते हैं, बहुत ही ज़्यादा हार्ड होते हैं। अभी हमारे राजमा में थोड़ा पानी है, तो हम इसको थोड़ी देर और पकाएंगे। और पकने के बाद ये गाइस देखिए इस टाइप से हो गई है, बहुत ही अच्छी वाली सब्जी तैयार हो गई है। अब हम इसको चावल के साथ में या फिर लच्छा पराठे के साथ में इंजॉय कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारी जो रेसिपी है वो है आलू के पराठे। इसमें हम लेते हैं थोड़े से आलू, नमक डाल के इनको हम उबाल लेते हैं। ये हमारे आलू उबल गए हैं। और साथ में लेते हैं हम थोड़े से प्याज, थोड़ी सी हरी मिर्च, थोड़े से टमाटर, लहसुन। इन सबको हम कुछ इस टाइप से पीस लेते हैं, सबको मोटा मोटा। फिर लेते हैं हम थोड़ा सा मसाला तैयार करते हैं। उसके लिए लेते हैं धनिया, इसमें डाल लेते हैं नमक, हल्दी, मिर्ची, ये सब कुछ ऐड कर लेते हैं। इसमें थोड़ा सा पानी डाल लेते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं डालना, हल्का सा पानी, ताकि ये मसाला गीला हो जाए। फिर इसमें हम एक कढ़ाई में तेल लेते हैं, जीरा डालते हैं और सारे मसाले को उसमें ऐड कर देते हैं गाइस। इनको अच्छे से पकाते हैं। जैसे ही अच्छे से ये पक जाता है, उसके बाद फिर हम लोग आलूओं को अच्छे से मिक्स करके, मेस करके, मतलब बारीक बारीक इनको सबको ऐड कर लेते हैं। और इन सबको अच्छे से हम मिक्स कर देते हैं। और इसमें एक सबसे अच्छा फ़ायदा ये होता है कि आप मसाला टेस्ट कर सकते हो। अगर कुछ भी कम होता है तो आप ऐड कर सकते हो। तो मुझे नमक कम लगा, मैंने नमक और मिला दिया है इसमें। और डाल देते लास्ट में हरा धनिया। हमारा ये मसाला रेडी हो गया है आलूओं के पराठों के लिए। थोड़ी देर इसको छोड़ देते हैं ठंडा होने के लिए। फिर हम लेते हैं, ये देखिए हमने रोटी बेल ली है इस टाइप से गोल गोल, और इसमें भरते हैं आलू का मसाला जो हमने तैयार किया है। इसको बहुत ही पतली वाली लेयर लगानी है, ऐसे इकट्ठा नहीं करना एक जगह पे, क्योंकि इससे फिर हमारे जो मसाले हैं वो सारे के सारे बाहर निकल जाएगा। तो ऐसा हमें नहीं करना है बिल्कुल भी। हम इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे। और जब हम इसको पलटेंगे तो उसमें भी देखो इस टाइप से ध्यान रखना कि मतलब कोनों पे से पहले दबाना नहीं है, पहले बीच में से दबाना स्टार्ट करना है। क्योंकि फिर इसमें क्या होता है ना कि एक थोड़ी सी गैस भर जाती है, तो वो फिर मसाला बाहर निकलने का उससे डर रहता है। तो हमें साइड में से बाद में दबाना है, पहले बीच में से दबाना स्टार्ट करना है। फिर इधर भी हम मसाला भरेंगे इसमें, और मसाले की क्वांटिटी थोड़ी कमी ही रखेंगे, बहुत ज़्यादा मसाला नहीं भरेंगे। इसमें भी पहले हम बीच में से दबाएंगे, साइड के कोनों को पहले नहीं दबाना है, नहीं तो इसमें गैस भर जाती है। मसाला हमने भर लिया है, तो अब इसको हम बेलेंगे। फिर से हम पराठा बनाएंगे थोड़ा बड़ा वाला। तो इसके लिए हम इसमें सूखा आटा लगाते हैं, आप घी भी लगा सकते हैं। अब ये देखिए हल्के हल्के हाथों से इसको बेलना है। उसके बाद में फिर हम इसको तवे पर डाल देंगे घी लगाकर, ताकि ये चिपके ना, और ऊपर से भी हम खूब सारा घी लगाएंगे। आलू के पराठों में घी के बिना तो मज़ा नहीं आता, इसलिए घी डालना बहुत ज़रूरी है। और ये हमारा पराठा तैयार हो गया है गाइस। अब हम इसको गरम गरम खाएंगे दही के साथ में। आप लोग भी खाइए हमारे साथ में इसी तरीके से आलू के पराठे। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग वीडियो।